मैं जानना चाहती हूँ अभी समय जो आजकल जो मॉडर्न लाइफ की जो प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती, सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं आती, सब कुछ ठीक भी है तो भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है और वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं है और नींद की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जा रही है। इसको इसका रीज़न क्या है और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर यंगस्टर के लिए पूछना चाहती हूँ। नींद क्यों नहीं आ रही है लोगों को? अच्छा देखो, आप जितना मोबाइल जब चेक करते हो ना तो उसमें नोटिफिकेशन आते हैं, पॉपअप बोलेंगे, नोटिफिकेशन बोलेंगे, बैंक के कॉल्स आते रहते हैं या मैसेज आते रहेंगे। जितनी बार स्क्रीन चलेगी उतना आपका ध्यान भंग हो जाता है। तो जितना आपका धीरे धीरे ध्यान भंग होना स्टार्ट हो जाएगा वो छोटी छोटी बातों से भी हो सकता है कि आपको मैचिंग का कुछ ऊपर पहनने को टॉप नहीं मिला या आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं बनी। जितनी छोटी छोटी बातों से आप इरिटेट होना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको अनिद्रा होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी। बेचैनी का तो इतना सा आपके मन का भी नहीं हुआ तो क्या। अब दूसरी बात है कि मन का तो सब हो ही नहीं सकता, ये दुनिया पे तो जोर आपका चलता नहीं है ना, हिटलर का भी नहीं चला तो फिर आप कैसे देखोगे। नहीं, आप ये देखने लग जाओ ना कि भाई आपके क्या क्या हाथ में, आपके आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपको मालूम चलेगा कि ये मेरी फाइल है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, इसमें मैं बदलाव कर सकता हूँ तो बदलाव कर लो, और जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दो क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो फिर आप ये भागा दौड़ी से बचाओगे, दिमाग की उलझन से बचाओगे, फिर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बट ये जो डिपार्टमेंट आप बोल रहे हो, डिपार्टमेंट छोड़ दो जो आपके हाथ में नहीं है, पर उसकी भी तो एक टेंशन चलती रहती है ना, फिर वो कौन देखेगा, कैसे होगा फिर वो? देखो, आपको ये समझना है कि नींद का क्या प्रॉब्लम, पहले इसके बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ पाएगा। जितना ज्यादा आप जब सोते हो आपको ना लाइट रहना है, श्वास को देखो, सोते समय भी आप अपने श्वास को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। थोड़ा भी ध्यान दोगे आपको नींद आ जाएगी, या आप लाइट म्यूजिक चला लीजिए तो आ जाएगी। जैसे बच्चों को आपने लोरी सुनते हुए देखा होगा और उनको जल्दी नींद आ जाती है, आप एक फ्रेम में रहोगे ना आपको नींद जल्दी आएगी। लेकिन नींद क्यों नहीं आती है? कल सुबह इसके पास जाना है, उससे ये बात करनी है, ये ईमेल भेजना है, ये करना है, वो करना है, कब करना है, कल करना है। तो आज आप उसके लिए जब ज्यादा दिमाग में प्रेशर डालोगे नींद नहीं आएगी। या सिंपल भाषा में समझते हैं, जब आप एक थॉट के साथ साथ बहुत सारे थॉट ओवरलैपिंग करते चले जाओगे तो नींद नहीं आएगी। तो आप अगर एक ही थॉट को पकड़ लें, जैसे कोई गाना है उसको तीन चार बार रिपीट वन में डाल दो, चलाते रहो, आपको दो मिनट भी नींद आ जाएगी। जैसे ओशो के डिस्कोर्सेज है, सेम वॉल्यूम उनका रहता है, सेम पिच रहता है, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। लेकिन जहां आप पैनिक होने की कोशिश करते हो, जैसे हाई एंड लो पिच पे जब जाते हो कि अरे ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, हर एक उल्का हो जाना है, जब आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस जब ऊपर नीचे जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। इसके लिए बहुत सिंपल सा है, जैसे विस्पर ऑफ हार्ट, विस्पर ऑफ माइंड यूट्यूब पे मिल जाएगा, ए आर रहमान का म्यूजिक है, उन्होंने मोहनजोदड़ो जो मूवी थी उसमें जब वो गुफा में जाते हैं और माता जी की जब मूर्ति आती है वहाँ पे वो बैकग्राउंड में बसता है, गूगल से डाउनलोड कर लो, आप उसे सुने, उसमें एक आपने तो समय सुना हुआ है, मैंने सुनाया होगा आपको कभी पहले, तो वही एक म्यूजिक बस चलता रहे, वो एक जैसा म्यूजिक है, आपको दो मिनट में नींद आ जाएगी। बस दिमाग को बार बार ये बोलते रहना है कि नया थॉट नहीं चाहिए, नया नहीं चाहिए। जैसे आप कभी डाइन करने जाते हैं कभी अच्छे से होटल में या शादियों में जाते हैं, जब आप घर में होते हो अपना सिर्फ एक दाल और रोटी बनी होती है और उस दाल रोटी सबका पेट भर जाता है अच्छे से। लेकिन जब आप कभी शादी में जाते हो तो 36 प्रकार के भोजन होते हैं, इतनी मिठाइयाँ होती हैं, इतने जूस, इतने हर चीज ज्यादा होती है, उतनी मात्रा प्रकार की, इतना सारा खा के आते हो, है ना, सो पॉइंट जैसे कहते हैं चरके भी आ गए, लेकिन फिर भी आपको नींद या हम कहें यहाँ पे आपको पेट नहीं भरता। नींद के साथ भी ऐसा ही है, आप इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे थॉट रखोगे तो आपको बेचैनी होगी। आप लिमिटेड चीजें रखो, आपको मालूम हो कि ये मेरी जरूरत है तो आपका पेट भरेगा, जैसे खाने में। आप ऐसे थॉट के साथ जब सोने जाएं तब आप अपने थॉट ज्यादा मत लाओ, थॉट आने चाहिए दिन में, आने चाहिए आपका काम है, रात में नहीं। रात आप एक किसी एक इंसान के बारे में सोचें, आपका बच्चा है तो बच्चे के बारे में सोचें, आपके घर का जैसे कोई पेंटिंग है तो उस पेंटिंग को देखते रहें, आप अपने बैग को भी ले सकते हैं, बैग में जा सकते हैं, आपकी कोई फोटो है उसको देखते रहें, बस आपको अपने आपको आदेश देना है कि मुझे फोटो को ही देखना, मतलब फोटो पे ही ध्यान रहे या उस म्यूजिक पे जो मैंने बताया वो चलाते रहे, नींद आ जाएगी आपको। जैसे आपको लोरी सुनाई जाए कि एक बार एक राजा था, एक बार ऐसे वो गया, जो सो कॉल्ड कहानी है, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। सेम कहानी डेली सुनाई जाए आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आपको नई चीजें नहीं आ रही। तो आप अपनी जो ये जिगजैग जो कंडीशन है या तो एक बार में जो ज्यादा थॉट है, जब करना सुबह ही है, सुबह उठ के ही करना है ना आपको जो काम करना है, तो फिर अभी रात भर में क्यों हल्ला मचा रहे हो अपने आप से, तो नींद आती ही नहीं। फिर जैसे खाना इतना दिख जाए आप
सब भी खा सकते हैं, सारा कुछ खा सकते हो। मैं काफी खाना खाता हूँ, तेल, घी, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और मतलब रोटियां, चावल, खिचड़ी, उसमें भी खूब सारा घी, मतलब खूब खाना खाते हैं। लेकिन मैं कभी भी दिमाग में ये हावी नहीं होने देता हूँ कि ये इतना सारा खाना मैं खा रहा हूँ। और थोड़ा भी खाना अगर आपने हाई तो को मचाया, ओ इतना सारा खाना, इसमें इतना ही है, आपको नुकसान करेगा। आप अपने दिमाग को बोलना स्टार्ट कीजिए, दिमाग को कमांड करना स्टार्ट कीजिए। जैसे हमने पहले भी बोला है, कॉन्शियस से आदेश दो, सबकॉन्शियस उसको मैनिफेस्ट करेगा। तो आप अपने आप को जैसे जैसे बोलना स्टार्ट करोगे, वैसा आप अपनी लाइफ को बना लोगे। तो आप अपने आप को बोलिए कि भाई मुझे ये थॉट है। अब जैसे देखो सामने बुद्धा की पेंटिंग लगी है बहुत अच्छे से, मैं यहाँ सोता हूँ, बुद्धा पेंटिंग, वो एक ही मोशन में ना, वो अपने भाव नहीं बदल रहा ना, तो इससे नींद आ जाएगी। लेकिन अब आप देखोगे नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे कोई सेक्रेट गेम जैसा, जहाँ पे मार काट हो रही है, खून कतलेआम हो रहा है, या मार पिटाई उसमें हो रही है, गालियां दी जा रही है, उसका साउंड देखो बैकग्राउंड कैसा चलता है, बैकग्राउंड साउंड या स्टार्टिंग में जो इंट्रो आता है किसी भी सीरीज का, देखो ऐसे जैसे भूचाल आ जाएगा। और अगला क्या होने वाला है, अगला क्या होने वाला है आपके हाथ में, आप कल भी देख लेना, लेकिन बेचैनी क्यों हो रही है। तो मोबाइल जैसे बार बार पॉपअप करेगा, बार बार उसकी स्क्रीन हाईलाइट होगी, आपको नींद आ जाएगी। तो सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ करना सीखिए, सोने से आधे घंटे पहले स्विच ऑफ कर दो। और भी तो आप इतना काबू होना चाहिए कि आप इरिटेट ना हो, तो स्विच ऑफ कर सकते शुरुआती तौर पर। कम से कम नोटिफिकेशन आए, आप एप्लीकेशन में सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाकर के देख लो कि कौन कौन से एप्लीकेशन के, जैसे बैंक है तो बैंक का तो आना चाहिए आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। नेटफ्लिक्स का ना आए या दूसरी चीज़ का ना आए, या जो आप नहीं चाहते वो आपकी मर्जी है कि मुझे ये व्हाट्सएप से मैसेज ना आए, तो आप व्हाट्सएप के लिए ब्लॉक कर दो, ऑल ब्लॉक कर दो, आपको मैसेज नहीं आएगा। जब मैं चाहूंगी तब देखूंगी, तभी देखेगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो रोको ना कचरा आने से, तो बस ठीक है। और कोई सोने से पहले आप रिकमेंड करो कोई आप अपने आप को वहाँ पे बार बार बोलना स्टार्ट कीजिए कि भाई अब ये सूरज छिप गया, दिन ढल गया। बार बार बोलना होता है, आप बंद कमरों में घर में रहते हो, रात दिन का पता ही नहीं चलता, तो नींद नहीं आएगी। अब जैसे मैं एकदम खुले घर में, आसमान दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, तारे भी दिखते हैं, रात दिन का असर हमें दिखता है ना। लेकिन अब जिस तरह की हम आइसोलेटेड घर में रहते हैं, क्योंकि एसी चलाना, तो खिड़की बंद कर दो, बिल्कुल पैक कर दो, तो आपको बारिश हो रही नहीं पता चलता, आपको धूप कम हो गई ज्यादा हो गई ये नहीं पता चलता। तो जब आपको सूरज का छुपने का ही मालूम चलेगा कि संध्या हो गई, रात हो गई, आपको आपका दिमाग, आप समझिए, इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास डॉग है, सिम्बा डॉग है, लगा है, क्या होता है कि हम उसका खाने का टाइम है सनसेट से पहले, वो खाना खा लेता है सनसेट के साथ साथ, वो खाना खा लेता है। एक दिन क्या हुआ, बारिश हो रही थी, तो आउटडोर घर है और हमें मालूम है ये मॉनसून है तो बारिश आती ही रहेगी, तो हमने क्या किया, गेट बंद कर दिया कि बौछारे ना आए, तो लाइट भी चली गई, जैसे हमको तो अंधेरा हो गया क्योंकि बाहर धूप नहीं थी, खुले घर है। तो उसने एकदम भौंका और 3 बज रहे थे और उसने ये बताया, उसको ये लगा कि खाट बिछी हुई है, सब सो गए, तो अरे मुझे खाना तो गए नहीं, उनको ये लग रहा है, डॉग को ये लग रहा है कि अरे ये तो गेट बंद करके लाइट जला के सो गए, सर्दियों का टाइम था, रजाई उड़ करके लेट गए, तो उनको लगा कि अरे मेरा तो खाना ही नहीं हुआ, जबकि अभी उसका टाइम नहीं हुआ है। पंछियों को देखोगे, एनिमल को देखोगे, उनके पास घड़ी नहीं है, वो सूरज को देख करके अपना चलते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारे सेंसेस भी ऐसे ही चलते हैं। लेकिन जब आप पैक घरों में रहोगे, आपको रात दिन का पता ही नहीं चलेगा, लैपटॉप पे 2-2 घंटे काम कर रहे हो, दुनिया इतनी बदल गई, आपको नींद ही नहीं आएगी, आपकी बॉडी आपको सिम्टम ही नहीं भेज पाएगा आपका दिमाग। तो अगर आप रात होते हुए देखो, तारों को देख लो, खुले आसमान को देख लो सोने से पहले, आपको तुरंत से नींद आ जाएगी। लेकिन घर में ही थे और घर में ही आपको पता ही नहीं चला, रात हो गई, तारे भी नहीं देखे, और आप सोचो उसी बेडरूम में आपको नींद आ जाएगी, नहीं आने वाली। तो थोड़े से बदलाव लाओ, थोड़े से नेचर के साथ चलो, आपको नींद आ जाएगी। एक जगह एक आप सोचो कि जहाँ नींद किसको नहीं आती, जहाँ हम जेल देखते हैं, चाहे इंडिया की या अमेरिका की, एक काल कोठरी सी जहाँ पे सूरज की रोशनी भी, जैसे काला पानी, तो वहाँ भी सूरज का पता नहीं चलता। और वो ये बता दें कि सूरज को देख पाना इतनी बड़ी खुशी है। तो जब एकदम अंधेरे में रहेंगे तब ये बात का मालूम हो जाएगा। लेकिन आप अपने घर को वैसे ही काल कोठरी बना रखा है, आपने क्यों बना रखा है, खिड़की दरवाजे खोलो और ऊपर छत पे जाओ, चांद तारे देखो, आपको नींद आएगी। और एक बार में ज्यादा थॉट्स नहीं लाने, सोने से पहले जो है एक बार फाइल कंप्लीट कर लो कि कल ये करना, ये करना, ये करना, 2 मिनट बाद होगी बात खत्म, अब अगली बात करेंगे। एक ही बात को रिपीट नहीं करना है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचते रहना, एक ही बात को रिपीट करते रहना, ये नहीं करना है।
आप अपने आप को बार बार कहिए कि एक चीज मुझे रिपीट नहीं करनी है, बस फिर आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं।